जी हाँ फ्रेंड्स, ये भारत और इंग्लैंड ये वुमेंस के बीच में आज दूसरा T20 मुकाबला खत्म हो चुका है। और आज के इस मैच में पूरे मैच की हाईलाइट देखने वाले थे। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पूरे मैच की हाईलाइट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। जी फ्रेंड्स, टीम इंग्लैंड ने टॉस जीत के पहले टीम इंडिया को बैटिंग करने का न्योता दिया गया था और टीम इंडिया की शुरुआत काफ़ी ख़राब रही, पूरा उच्च स्कोर भी नहीं बना पाई। जी फ्रेंड्स, पूरे मैच की हाईलाइट देखेंगे तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सैफ अली वर्मा बिना खाता खोले डीन के बॉल पे आउट, LBW आउट हो गई। वहीं स्मृति मंदाना भी कुछ खास नहीं कर पाई और डीन की बॉलिंग पे एक बार फिर से LBW 9 गेंदों में 10 रन बना के आउट हो गई। जेमिना रेड ट्विक्स से 30 रन बनाए, हरमनप्रीत कौर 9 रन, दीप्ति शर्मा बिना खाता खोले। जी फ्रेंड्स, दो ही खिलाड़ी ऐसे थे जो दहाई का अंक चो सके, 30 रन जो रॉड्रिक्स और मंदाना। जी फ्रेंड्स, बाकी टीम कोई भी 10 का स्कोर नहीं पहुँच पाई। दीप्ति शर्मा 0, ऋचा घोष 4, पूजा वस्त्राकार 6, 4 रन बनाए श्रेयस पाटिल और तिथास साधु ने 2, वहीं सही का ईश्वक ने 8 और रेणुका सिंह ठाकुर नॉट आउट रही 2 रन बना के। बॉलिंग की बात की जाए तो चार्ली डीन को 2 सफलता मिली, वहीं लार्ली बेल को भी 2 सफलता मिली। जहां फ्रेंड्स, नेट सेवियर को 1 सफलता मिली और सोफी एक्सटॉन को 2 सफलता मिली। 2 सफलता सारा ग्लेन को भी 1-2 सफलता मिली और 1 फ्राया कैंप को। जहाँ फ्रेंड्स, फॉल ऑफ विकेट की बात करें तो टीम इंडिया का पहला विकेट 0 के खाते पे सैफ अली वर्मा के रूप में आउट हुआ। स्मृति मंदाना के रूप में दूसरा विकेट 17 पे, 28 पे तीसरा, 29 पे 4 और पांचवा विकेट 34 पे, छठा विकेट 45, सातवा विकेट 59, आठवा विकेट 67, नौवा विकेट 77 और दसवा विकेट 80 रन पे। जहाँ फ्रेंड्स, इस तरह से टीम इंडिया 80 रन ही बना पाई, कोई भी बड़ी पार्टनरशिप हुई नहीं 10 से ऊपर रन की। जहाँ फ्रेंड्स, है तो इस टीम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड टीम उतरी और इंग्लैंड की शुरुआत भी कुछ खास नहीं थी, लेकिन इंग्लैंड इस मैच को बड़े आसान तरीके से अपने पक्ष में कर लिया। जी फ्रेंड्स, 9 रन बना के सोफिया डंकले आउट हुए और निकोलस वाइट 0 रन बना के। वहीं एलिसी कैप्सी 25 रन 21 गेंदों में और नेट सेवियर ब्रंट 16 रन बनाए और कैप्टन हेदर नाइट 7 रन और इसी तरह से 5 रन एमी जॉन्स और 1 रन खाता बिना खोले फ्रेया कैंप पहली बॉल पर LBW आउट हुई। शर्मा के गेंद पे सोफी एलेक्सटन 9 रन बना के टीम को विजय प्राप्त करवा दी। जहाँ से बात बैटिंग बॉलिंग की बात करें टीम इंडिया की तरफ से तो 2 सफलता रेणुका सिंह ठाकुर को मिली, 2 सफलता दीप्ति शर्मा को मिली, 1-1 सफलता पूजा वस्त्राकर और शेखा ईसा को मिली। जहाँ फ्रेंड्स, इस तरह से इंग्लैंड ने बड़े आसान तरीके से दूसरा T20 मुकाबला जीत के श्रृंखला को अपने नाम कर लिया। जहाँ फ्रेंड्स, इस तरह से इंग्लैंड की तरफ से तीसरे विकेट के लिए बड़ी पार्टनरशिप हुई थी, वो उनके काफ़ी काम आई थी। 42 रन की पार्टनरशिप 30 गेंदों में। इस तरह से टीम इंग्लैंड और वुमेंस और इंडिया वुमेंस के बीच में 2-3 मैचों के T20 सीरीज में इंग्लैंड ने ये अपने सीरीज अपने नाम कर ली है इस तरह से। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और आगे भी बड़ी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर कर दीजिए। यहाँ फ्रेंड्स, तीसरा मैच कल ही खेला जाएगा इंग्लैंड वुमेंस के साथ में टीम इंडिया का, इसी मैदान पर वानखेड़े, मुंबई के वानखेड़े में। तो फ्रेंड्स, आप इस चैनल से जुड़े जरूर रहें।